विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कुदरत को धन्यवाद देना है कि हमारी पात्रता बढ़ रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है, उस पर हम चल रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये आनंद बरकरार रहे। हर इमोशन में चाहे उस वक्त बुरा लगे मगर हमें डटे रहना है, शांत रहना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं ऐसा ज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। डीएस दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे
समस्याओं के पीछे समाधान आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा, भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं, सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले, ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें, जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें, द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हो, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
अज्ञान में इंसान इतना बड़ा रहस्य जो चल ही रहा था लगातार उसको भूल बैठा है। अब फिर से याद आ रहा है कि कैसे हम अपने इमोशंस को देखें, भावनाओं को देखें, तुरंत बुरा लेबल लगाकर ये सही नहीं है, ये गलत है। जैसे आप कहते हो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, कैसा होता है, तभी दुख आना शुरू हो जाता है, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप कहोगे स्वीकार है, देखते क्या हीरे आते, स्वीकार है, इसे क्या हीरे आते बाहर, कुछ आना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, वो मुझे सीखना है। तो ये प्रण लेकर हम जाएंगे तो दीवारों की दरारों से मिलने वाले सारे हीरे आपके होंगे, आध्यात्मिक समृद्धि आपको मिल जाएगी। बोनस में तो सब आता है, बोनस में समृद्धि में पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पद चाहिए, सब आता है, मगर ये सब आकर आपको पथ भ्रष्ट न करें। पावर को संभालने की शक्ति नहीं मिली और पावर मिल गया तो लोगों का नुकसान हो जाता है। पैसा संभालने की ताकत नहीं है, काबिलियत नहीं है, पात्रता नहीं है और लॉटरी लग गई किसी की तो वो शराब पी पी कर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। लोगों को ये संभालना भी आना चाहिए, तो पहले हमें पात्रता तैयार करनी पड़ती है। कुदरत को धन्यवाद देना है कि हमारी पात्रता बढ़ रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है, उस पर हम चल रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये आनंद बरकरार रहे। हर इमोशन में चाहे उस वक्त बुरा लगे मगर हमें डटे रहना है, शांत रहना है, जितना हो सके उतना ध्यान करना है और समय बीच में देना है, धीरज रखना है। वॉच वेट विथ वंडर www.com www.com क्या है? वॉच वेट वंडर, एक ही काम है, डॉट एक ही काम है आपका, वॉच वेट वंडर के साथ। तो www.com वॉच वेट विद वंडर के साथ फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली हीरे आ रहे थे। बाद में तो लोग कहते हैं ना अच्छा हो गया, जब घटना होती है तब पर्सन बहुत दुखी है क्यों ऐसा हो गया, बाद में कहते अच्छा ही हो गया, नौकरी से निकाल दिया इसलिए अभी मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये अच्छा ही हुआ। बाद में तो लोग कहते हैं, उस वक्त कह नहीं पाते हरी इच्छा पार्ट टू आएगा अभी। हरी इच्छा पार्ट वन ये है कि नौकरी से निकाल दिया, जब सेट हो गया उसका लाइफ में, ये हरी इच्छा पार्ट टू है, इसके लिए हो रहा था, सब मुक्त करने के लिए हो रहा था। ये हरी इच्छा पार्ट टू है, पूरी हरी इच्छा समझनी चाहिए। लोग हरी इच्छा का एक ही पार्ट समझते हैं, दूसरा पार्ट समझते ही नहीं है। हरी इच्छा पार्ट टू भी समझनी चाहिए, टोटल हरी इच्छा समझनी चाहिए तो दिक्कत नहीं आएगी। 8 संकल्प 8 वचन लेकर जाएंगे, 8 संकल्प 8 वचन। ये इसलिए ताकि ये वचनबद्धता हमसे काम करवाती है, वचनबद्धता। ये अष्टावचन क्या हैं, ये 8 संकल्प क्या हैं, ये हैं 8 माया के कष्ट से मुक्त करने के लिए, 8 माया के कष्ट से मुक्त करने के लिए। 8 संकल्प हम ठान कर जाते हैं कि हम ऐसे रहेंगे तो फिर आपको हीरे मिलते जाएंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।